हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फाइव इंडियन रेफरेंस इन एमसीयू मूवीज। सो सबसे पहला रेफरेंस है ब्लैक पैंथर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां ब्लैक पैंथर अपनी टीम के साथ स्पीच के लिए जा रहा होता है। यहां हम उनके साइड में इंडिया का फ्लैग लगा देख सकते हैं। अगला रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर मूवी के ओपनिंग सीन से, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ मनी है? तब वोंग बोलता है 200। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है डॉलर, एंड उसके रिप्लाई में वोंग बोलता है नहीं, रुपीज। वेट, आई थिंक 200 डॉलर्स, रुपीज। सो अगला रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के ओपनिंग सीन से, जहां कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ इंडियन ओशन में किसी मिशन के लिए जा रहा होता है, एंड यहां हमें इंडियन ओशन लिखा दिखाई देता है। अगले टू रेफरेंस आप में से मैक्सिमम लोगों ने नोटिस कर लिए होंगे, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। सो अगला रेफरेंस है द एवेंजर मूवी से, नताशा ब्रूस बैनर को फाइंड करने के लिए इंडिया आती है। हालांकि ये सीन इंडिया में शूट नहीं किया गया, लेकिन इंडिया जैसा दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। सो अगला रेफरेंस है स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी से, जहां टोनी पीटर से बात कर रहा होता है। सो टोनी को उस टाइम इंडिया में किसी वेडिंग फंक्शन में दिखाया है, हालांकि इस सीन के लिए टोनी इंडिया नहीं आया, बाकी टोनी स्टार को परफेक्ट इंडियन आउटफिट में दिखाया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।